देखो प्रश्न आवली तीन पॉइंट दो, प्रश्न संख्या कितनी है? एक। अब आप देखें यहां पर जो प्रश्न है ये कौन सा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। तो माना लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या क्या है? x है। वह लड़कों की संख्या y। प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है प्रश्न, कि लड़कों और लड़कियों की संख्या कक्षा 10 के एक गणित पहली प्रतियोगिता में लड़कों और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो कुल लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, कितनी हो गई? x प्लस वाई है ना। तो x प्लस वाई बराबर कितने हैं, कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी हैं? 10। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 शर्त प्रथम, ठीक है। शर्त सेकंड जो है, शर्त सेकंड क्या है? शर्त सेकंड है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, क्या ये इसके 4 अधिक है? अब ये इसे 4 अधिक है तो जाहिर सी बात है x बराबर क्या होगा, y प्लस 4, समीकरण नंबर 2। क्योंकि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो लड़कियों की संख्या क्या हो गई, y प्लस 4, तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी ना। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा, तो देखें x प्लस वाई बराबर 10, x बराबर क्या लेंगे 0, तो क्या आ गया x बराबर 0 ले, 0 प्लस y बराबर 10, y बराबर कितना आ गया 10, y बराबर क्या ले लें 0 लेने पर, अब दोनों को 0 0 कर देंगे, ये अलग तरीके से हम कर रहे हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई का मान 0 बराबर 10, x बराबर क्या आ गया 10, और टेबल क्या बनी x बराबर 0 लिया y का मान 10, y बराबर 0 लिया x का मान 10। समीकरण दो क्या है, x बराबर y प्लस 4, x बराबर 0 लेने पर, तो 0 बराबर y प्लस 4, इसको इधर भेज दें, y बराबर क्या आया माइनस के 4, x बराबर y बराबर माइनस 4 आ गया, तो y बराबर 0 लेने पर क्या ले लेंगे, y बराबर 0, तो x बराबर 0 प्लस 4, तो x बराबर क्या आ गया 4, सारणी बना देंगे, x बराबर 0 लिया y बराबर माइनस 4, y बराबर 0 लिया x बराबर 4, ठीक है। अब देखें यहां पर ये क्या हो गए, अक्ष हो गए हमारे, ये x डैश अक्ष, ये x अक्ष, y अक्ष और y डैश अक्ष। देखो हमारे मान जो है एक एक के अंतराल में ले लें, तो यहां पर क्या हो गया, दो दो के भी ले सकते हो आप, है ना, दो दो के अंतराल में ले लेते हैं,
दो चार छ आठ दस, माइनस दो माइनस चार माइनस छ माइनस आठ और माइनस दस, दो चार छ आठ दस दो बारह, माइनस दो माइनस चार माइनस छ माइनस आठ माइनस दस, ठीक है। x का मान जीरो, y का मान दस। x का मान क्या है बेटा? जीरो। और y का मान दस ही आ रहा। x का मान जीरो, y का मान दस। x का मान दस और y का मान जीरो, मिला दिया। x का मान जीरो और y का मान चार माइनस के, x का मान जीरो y का मान माइनस चार, x का मान जीरो y का मान माइनस चार, x का मान चार और y का मान जीरो, x का मान चार और y का मान जीरो, इनको भी मिला दिया। मिला के इनको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये कहां मिलेंगे? यहां पर और यहां पर। यहां के जो निर्देशांक है वो क्या होंगे? x का मान कितना है? सात, और कितना है? तीन। तो जहां इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या हो गए? x मतलब क्या है? लड़कियों की संख्या, y मतलब लड़कों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या x बराबर सात व लड़कों की संख्या y बराबर तीन, और पैमाना क्या हो जाएगा? x अक्ष बराबर एक सेंटीमीटर बराबर कितना आ गया? दो लड़कियां, और y अक्ष एक सेंटीमीटर बराबर क्या आएगा? दो लड़के, ठीक है। तो ये पैमाना हो गया, और इस प्रकार हमने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया।